लक्ष्मी। दोस्तों, कुछ साधकों ने मुझसे पूछा कि दक्षिणावृत्ति संघ की साधना बताएं, तो इसीलिए मैं आज आपको दक्षिणावृत्ति संघ की साधना बताने जा रहा हूं। दक्षिणावृत्ति संघ, आपने अपने इष्टों, जिस भी इष्ट को देखोगे उसके हाथ में एक संघ होता है, कभी भी देखना तो वो दक्षिणावृत्ति संघ ही होता है। दक्षिणावृत्ति संघ की उत्पत्ति श्रवण मंथन के समय हुई थी और ये महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, वही साधना आज मैं बताने जा रहा हूँ जिससे कि महालक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा और सदा स्थायी रूप से महालक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। और दोस्तों, हर जगह से आपके घर में पैसा ही पैसा, धन धान्य भर जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, ये दक्षिणावृत्ति संघ को लाना है आपको। ये हमारे तीर्थ स्थलों पर मिल जाता है, वहाँ से इसको प्राप्त करना है आपको। और साधना आपको शुक्रवार को करनी है। सबसे पहले क्या करना है, इस दक्षिणावृत्ति संघ को गंगा जल से स्नान कराना है, यानी साफ धोना है। गंगा जल ना हो तो स्वच्छ जल भी चलेगा, जल से स्नान कराएं, जल में धो लें। उसके बाद ऐसे चौकी पर उसको स्थापित करें और बाजेट के ऊपर उसको रखें। उसके बाद दक्षिणावृत्ति संघ में केसर, मिले हुए अक्षत यानी चावल, उनको उसमें भरना है। ये चावल उनको भरना है दक्षिणावृत्ति संघ को। उसके बाद आपको उसके सामने दीपक जलाना है। जी हाँ, दीपक घी का होना चाहिए, घी का दीपक जलाना है। उसके बाद इसमें आपको पुष्प समर्पित करते हैं, वो भी सफेद होने चाहिए। ओम पुष्पम समर्पयामि। उसके बाद आपको प्रसाद समर्पित करना है, वो भी प्रसाद रहेगा आपका बादाम का। जी हाँ, दो बादाम का। ओम प्रसादम समर्पयामि। उसके बाद आपको दक्षिणावृत्ति संघ का मंत्र जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। जी हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना है। दिन आपका शुक्रवार रहेगा, 21 माला जाप करना है। माला स्फटिक की हो तो बहुत ही अच्छा है, यदि स्फटिक की ना हो तो कमलगट्ठे की ले लेना। कमलगट्ठे की भी ना हो तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। आपको 21 माला जाप करना है और ये काम आपको 7 शुक्रवार करना है। जी हाँ, 7 शुक्रवार। 7 शुक्रवार में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि महालक्ष्मी का निवास आपके घर में हो गया है और आप आश्चर्यजनक से देखेंगे कि आपके दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों, इस साधना के बारे में कुछ मेरे भाई लोगों ने पूछा था दक्षिणावृत्ति संघ की साधना में, तो मैंने बता दिया। तो एक बार इस साधना को करके जरूर देखें, क्योंकि इस साधना से आपके घर में धन धान्य किसी भी कमी की जरूरत नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जय महालक्ष्मी।